नमस्ते दोस्तों, वेलकम सभी को का आप लोगों सभी का स्वागत है रेखा शर्मा ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं सभी? और आज तो यहाँ बहुत ठंड पड़ गई है, काफ़ी ठंडा हो रखा है। बेंगलोर में उतना ठंडा कभी नहीं रहता। मैं आप लोगों को बाहर का नज़ारा भी दिखाती हूँ। किचन में आए हैं, आज तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं, खिचड़ी बनाए हैं। शनिवार है, आज शनिवार को हम लोग खिचड़ी बनाते हैं। ये देखिए, अभी इसको मस्त थोड़ा मथेंगे घी डाल करके। और ये पनीर की सब्जी बनाए थे, तो यही सब आज का खाना है हम लोग का। क्योंकि बच्चे लोग सब बाहर गए हैं, शनिवार रविवार को बच्चों लोग एंजॉय करते हैं और हम लोग बड़े जो हैं वो घर में ही अपना हल्का फुल्का खाना पसंद करते हैं। तो ऑलरेडी हमने पकौड़ी थी, अभी नाश्ता के टाइम में थोड़ा पकौड़ियाँ बना ली थी, तो अब खाने तो मन नहीं कर रहा, इसीलिए खिचड़ी चढ़ाए। तो खिचड़ी को थोड़ा सा मथ देंगे, जिससे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, पसंद आता है कि नहीं, क्या कमी है। कुछ भी कमी रहे तो उस बताइए, शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है, एक प्रयास है, कुछ करने की इच्छा है, तो हम लोग को भी सपोर्ट करिए। हम लोग हाउसवाइफ भी कुछ करना चाहती है, तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिएगा, जिससे हम लोग को आप लोगों से मोटिवेशन मिलता है। छोटे छोटे बच्चे लोग कितना कुछ कर रहे हैं, तो हम लोग भी कुछ करना चाहती हैं हाउसवाइफ, तो आप लोग सपोर्ट। और दोस्तों, भगवान का मंदिर बंद कर दिए हैं, शाम रात हो गई है। इसी तरीके से हमारी लाइफ चलती रहती है, आप लोगों को लगभग सारा चीज़ मैं दिखाती ही रहती हूँ। ये रात हो गई है, पूरा दिन देखिए बाहर का नज़ारा। रात के 9 बज रहे हैं अभी। आज सैटरडे संडे है, तो सब बाहर ही घूमते रहते हैं, अपनी अपनी गाड़ियाँ ले जा करके बाहर खेल मॉल वगैरह में सब एंजॉय करते रहते हैं। तो पूरा एकदम नज़ारा देखिए, पूरी रात हो गई है इस तरीके से, पूरा रात हो गया है।